नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए शानदार जबरदस्त जानदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी भी परसों यानी कि 7 नवंबर के हिंदी के पेपर में आप सभी की बल्ले बल्ले और मौज होने वाली है। जी हाँ मेरे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ आप सभी विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022-23 कक्षा 8वीं विषय हिंदी का। आपका 7 नवंबर को होने वाला 100% रियल पेपर देखिए हमारे हाथों में आ चुका है। यदि आप भी इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप भी कहोगे क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। और आप यहाँ पर पूरे में से पूरे नंबर आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आप 50 में से 50 नंबर भी आप ला सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको परीक्षा सोल्व करने के लिए, पेपर सोल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है ना, यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिख देना है, यहाँ पर साला का नाम लिख देना है, कक्षा आपको लिख देनी है 8वीं। यहाँ पर देखिए प्रश्न कुल संख्या आपके 22 रहने वाली है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुल प्रश्न आपके देखिए कितने रहने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 22 प्रश्न आपके रहने वाले हैं और टोटल आपके 7 पेज यहाँ पर रहने वाले हैं। 50 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इस पेपर में आपको जो है पूरा सोल्व इसका कराऊंगा, बिल्कुल प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक का इसका पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देर के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। आपको वीडियो पर छप्पड़ फाड़ के आपको हमारी जोरदार मेहनत के लिए लाइक कर देना है। तो आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करना है। प्रश्नों के जो उत्तर है आपको यहाँ पर जगह दी जाएगी, आपको इस तरीके से इनके उत्तर आपको यहीं पर लिखना है। तो आइए देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक में आपको जो है बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए। प्रश्न 1 है, नव नव के नव विहग ग्रंथ को पंक्ति में अलंकार है ना, तो यहाँ पर आपको बताना है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ए यमक, बी अनुप्रास, सी श्लेष, डी उपमा। देखिए यहाँ पर नव नव शब्द जो है 2 बार आया है, तो ऐसा अलंकार जिसमें कोई एक शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है, यानी कि कोई एक शब्द जो है 2 या 2 से अधिक बार आता है, वहाँ पर अनुप्रस्थ अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए नव शब्द जो है 2 बार आया है, मतलब कि यहाँ पर अनुप्रस्थ अलंकार होगा। तो यहाँ पर आप उत्तर लिख देंगे बी अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। वीडियो के आगे मैं आपसे बात करूँगा कि आप यहाँ पर इसका PDF सॉल्यूशन किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। प्रश्न 2 है, बर्द कवि तक रचयिता है। ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी गिरधर, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो उसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न 3 है, बिहग वृंद का आशय है। तो आइए इससे पहले हम जान लेते हैं कि आप इसका PDF सॉल्यूशन किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए PDF डाउनलोड करने के लिए PDF की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि PDF डाउनलोड करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो PDF के लिंक के नीचे एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो में बताया गया ट्रिक का उपयोग करके आपकी जो प्रॉब्लम है वह खत्म हो जाएगी। तो यहां पर देखिए इसको ऑप्शन आपको दिया है, पशुओं का समूह नंबर बी, मनुष्यों का समूह नंबर सी, पक्षियों का समूह डी, फूलों का समूह। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, पशुओं का समूह जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, तानसेन के गुरु थे। ऑप्शन ए बैजू बावरा, ऑप्शन बी स्वामी हरिदास, ऑप्शन सी राजा महंसी तोमर, ऑप्शन डी पंडित विष्णु दिगंबर फलुस्कर। देखिए यहाँ पर थोड़ी आपकी जो है छपाई में मिस्टेक हुई है, यहाँ पर जगह आपको नहीं दी गई उत्तर लिखने की, तो आप इसका उत्तर लिख लेंगे ऑप्शन बी स्वामी हरिदास। प्रश्न 5 भाई, आप पराजित शब्द में उपसर्ग है। देखिए यहाँ पर हमें उपसर्ग बताना है,
उपसर्ग जो है शब्दों के मूल शब्दों के आगे लगते हैं। यहाँ पर मूल शब्द है आपका पराजिता, तो यहाँ पर लगा है उपसर्ग आ, तो करेक्ट आंसर आपका होगा ए आ। प्रश्न 6, विकलांगता शब्द में प्रत्यय है। अब प्रत्यय जो है मूल शब्दों के अंत पीछे लगाया जाते हैं। यहाँ पर मूल शब्द है विकलांग, इसमें प्रत्यय लगा है ता, तो उत्तर लिखेंगे आप बी ता। प्रश्न 7, भाई तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है? ए सखाभाव, बी दासभाव, सी मित्रभाव, डी गुरुभाव। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, दास भाव की भक्ति है, दास भाव। प्रश्न 8, भाई ब्रजभूमि में किसकी झाड़ियाँ अधिक मिलती है? ए आम, बी जामुन, सी नीम, डी करील। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा डी करील। प्रश्न 9, है सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। प्रश्न 2, धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? ए नर्मदा, बी गंगा, सी यमुना, डी ताप्ती। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए नर्मदा। तो देखिए इस तरह आपका यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव कहाँ से देख लिया है, अब देखते हैं यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 11 से लेकर 20 तक में आपको लघुत्तरी प्रश्न दिए गए, प्रत्येक प्रश्न पर आपका 3 अंक निर्धारित रहने वाला है। प्रश्न 11 है, बड़े लोग कौन सा काम नहीं करते हैं? तो उसका उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न 12 है, कोई व्यक्ति कब पछताता है? प्रश्न 13 है, कवि ने गोरैया की आंखों की तुलना किससे की है, है ना। तो देखिए हमने जो है यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को उत्तर दिख लिया है। अब इसके आगे जो प्रश्न है इनके उत्तर हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 के वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो यदि आपको पार्ट 2 का सोल्यूशन जल्द से जल्द चाहिए तो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो पर 100 लाइक्स का टारगेट आपको कंप्लीट करवाना है ना, 100 प्लस लाइक्स का टारगेट आपको कंप्लीट करवाना है। जैसे ही इस वीडियो पर 100 प्लस लाइक्स का टारगेट कंप्लीट हुआ आपको उसका पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से आप छप्पड़ फाड़ के इस वीडियो पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यहाँ पर पूरा पेपर आपको उसका सोल्यूशन मिलने वाला, बिल्कुल आपका रियल पेपर यहाँ पर ये रहने वाला है।